ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम, तुम लोगों को शायद पता ना हो, ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, जो आदमी सरकारी नौकरी लग जाता था उसको जितनी वो नौकरी करेगा, जैसे 60 तक तो हर कोई नौकरी कर सकता है, 60 के बाद जब वो रिटायर होता था तो इसको पैसे मिलते थे हर महीने पेंशन के नाम पे। और ये पेंशन 1-2 हजार नहीं थी, ये पेंशन इतनी थी कि इसकी जिंदगी इज्जत के साथ कट जाती, इसे अपने बहू बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता कि बेटा मेरा चश्मा बनवा दे या डॉक्टर के पास ले चल। एक तो इसको बैठे बिठाए पैसे मिलते, बुढ़ापे में पैसा ज्यादा जरूरी होता है, जवानी में तो सब कमा लेते हैं लेकिन जब 65 साल 70 साल पकड़ते हैं शरीर कमजोर होता है तब पैसा कैसे कमाए, काम तो कर नहीं सकते, तब बच्चों को बोझ लगते हैं माँ बाप, चाहे माँ बाप ने कितना ही कुछ भी करके खिलाया हो तब बोझ लगने लगते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। इसीलिए अपना पैसा होना बहुत जरूरी है, अगर पैसा होगा तो आदमी ठाट से बैठ के खाएगा। और आदमी जो पेंशन वाले थे ना, इनको सिर्फ पेंशन नहीं, इनको इससे इसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी सरकार एक श्योरिटी बना के देती थी कि आपको या आपकी वाइफ को, बच्चों को नहीं, बच्चे 21 साल के बाद कवर नहीं होते, किसी का बेटा अगर 22 साल का है तो फिर वो पेंशन वाले लोग जो है ना ये इसका इलाज नहीं करा सकते, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, अपना कमा खा, उसके बच्चों को थोड़ी ना सरकार खींचती जाएगी। लेकिन वो जो भी आदमी है और जो उसकी वाइफ है, इन दोनों का सारा मेडिकल का खर्चा सरकार उठाती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात थी। देखो मैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इससे देश का नुकसान होगा, ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए कि सरकार खुद अपनी जबान से कहती है कि जी टोटल हमने जो सरकारी नौकरियां दे रखी हैं वो तो आबादी के 1% के आसपास को हैं, तो 1% के आसपास ही तो लोग मांग रहे होंगे पेंशन, फिर क्या दिक्कत है, 50% तो तुम मानते ही नहीं कि लोग काम करते हैं सरकारी। और अगर मान लो हम कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का इन सबका, कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा, तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता, और अगर नुकसान होता है तो हमारे MLAs को, हमारे MPs को, हमारे CM, PM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको क्यों मिल रही है पेंशन अब भी, अगर बंद ही की है, ये भी तो आम ही आदमी होंगे ना, ये कोई ऊपर से उतरे हुए कोई भगवान के दूत तो है नहीं, ये भी आम लोगों में से ही है। अगर सब आम लोगों की पेंशन दुखी करती है, देश के कंधों पे बोझ ज्यादा डलता है, देश बड़ा कमजोर हो जाता है, देश टिक नहीं पाएगा, तो फिर इनकी पेंशन क्यों दी जा रही है। और आम आदमी की पेंशन कितनी थी, 20,000 22,000 25,000, जिसमें जीवन जीवन कटता है, कोई महल नहीं खड़े होते पेंशन के पैसों से। इनकी पेंशन अगर तुम सुन लोगे तुम्हें चक्कर आ जाएगा, क्योंकि इनके लिए पता क्या कर रखा है, आम आदमी जिंदगी भर काम करे 40 साल, अगर 20 में नौकरी लगा 40 साल तो पूरी जिंदगी की एक पेंशन, और इनको एक दिन अगर कोई MLA बन गया तो पूरी जिंदगी की पेंशन एक दिन की, अगर वो दोबारा बन गया इलेक्शन जीत के तो 2 बार की पेंशन, अगर वो 5 बार बन गया MLA तो 5 बार MLA की पेंशन, फिर वो 2 बार MP बन गया तो MP की पेंशन, फिर वो राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति की पेंशन। तुम सोच भी नहीं सकते कितना रुपया इनकी पेंशन में इन तक पहुंचता है। किसी एक का नाम तुम ना गूगल पे लिखना और तुम उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकालना, वो कई कई बार MP MLA बने होते हैं, ये MP MLA CM, पता नहीं कितनी कितनी पोस्ट पर। अगर कोई राजनीति में 40 साल काट गया, इनमें से कम तुम देखना वो 5-6 बार कुछ बन गया होगा, 2-3 बार कुछ, उन सबकी अलग 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 पेंशन आती है। तो इससे हमारा खजाना खाली नहीं होता, ये तो सारे खानदानी देखा नहीं बैठे बैठे राज करते जाते हैं करते जाते हैं। ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो किसके लिए मेन जरूरी थी, आम आदमी के लिए, उसको तो खत्म कर दिया, अब पीछे कितना विरोध किया लोगों ने, लेकिन क्या किया, मारकाट, वो बेचारे जितने लोग इकट्ठे हुए थे उन पर डंडे बरसाए और वो पानी के वो सब लाला के कैनन और नुकसान किया। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है खत्म कर दो, फिर इनकी भी तो खत्म करो ना, ये तो और बोझा डाल रहे हैं, ये तो एक आदमी 4 पेंशन खा रहा है, वहां बेचारे 40 लोग मिलके इतनी नहीं लेते होंगे जितना ये एक आदमी खा जाता है, तो इसका भी तो कोई हिसाब किताब हो। ये क्वेश्चन उठने चाहिए जब डेमोक्रेसी की बात हो, जब लोकतंत्र की बात हो, इसीलिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है ताकि तुम्हें ये बातें पता चलें। तो जब इलेक्शन होगा तो कितनी सीट्स पर होगा।